So hello everyone, today we will discuss one more topic, extension techniques and visual aids, multimedia projection and computer aided teaching aids for extension education. So student, in today's session we will discuss all the concept from audio visual aids which is used in our extension for the teaching purpose, for the demonstration purpose, for the extension purpose. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एड? एड किसको बोलते हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं. सो एन एड इज एन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस दैट असिस्ट द फैसिलिटेटर टू टीच द लर्नर इफेक्टिवली. सो बेसिकली जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, एड्स क्या होते हैं, एक मीडियम होते हैं. इनके हेल्प से हम लोग जो एक्सटेंशन वर्कर होता है या टीचर होता है, वो अपने मैसेज को प्रॉपरली ऑडियंस तक कन्वे करता है. सेकंड वन क्या है, द एड्स कैन सप्लीमेंट द टीचर्स टीचिंग. जो एड्स जो होते हैं वो इफेक्टिवली टीचर को उसके टीचिंग प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं, जिससे जो लर्नर होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गेन करता है, सब्जेक्ट मैटर को गेन करता है प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके. नेक्स्ट वन, एड्स इनहेंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. तो एड्स जो हैं वो टीओटी प्रोसेस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को इफेक्टिवली डिलीवर करते हैं, एंड ऑल्सो द मोटिवेशन टू चेंज. और मोटिवेशन में काफ़ी चेंज होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो हमारा लर्नर होता है या ऑडियंस होता है वो इन्फ्लुएंस होता है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें ऑडियो विजुअल एड्स का, तो काफ़ी, पहला तो ऑडियो एड्स हो गया हमारा, सेकंड वन विजुअल एड्स हो गए, थर्ड वन बोथ आर ऑडियो विजुअल एड्स. तो ऑडियो एड्स वो होते हैं जिनको हम सिर्फ हियर कर सकते हैं, कहने मतलब सिर्फ उनको सुन सकते हैं, उनके मीडियम से मैसेज को हम सिर्फ सुन सकते हैं. उसमें हमारा रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो माइक लगे होते हैं वो हो गया, टेलीफोन हो गया. नेक्स्ट वन विजुअल एड्स में प्रोजेक्टेड होता है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं. तो प्रोजेक्टेड में हमारे जो होते हैं जिनका प्रोजेक्शन हम लोग करते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं, फिल्म स्ट्रिप भी इसका एग्जांपल है, ओपिक प्रोजेक्शन हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्शन हो गया. नॉन प्रोजेक्टेड में हमारा चाकबोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, पिक्चर एंड फोटोग्राफ हो गए, फनल ग्राफ हो गए, फ्लैश कार्ड हो गया, फ्लिप चार्ट हो गया, पोस्टर मैप हो गया, स्पेसिमैन हो गया, मॉडल हो गया, ड्रामा हो गया. ये सब नॉन प्रोजेक्टेड में है विजुअल एड्स, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, इनके माध्यम से हम मैसेज को सिर्फ सी करके देख के गेन करते हैं. नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स में क्या है, इसमें एक पहला प्रोजेक्टेड होता है, सेकंड में नॉन प्रोजेक्टेड होता है. प्रोजेक्टर में क्या है, हमारी मोशन पिक्चर, इनसे हम मैसेज को जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, सेम वही वीडियो हो गए, सेटेलाइट टीवी हो गए, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई, मल्टीमीडिया. एंड नॉन प्रोजेक्टेड में ड्रामा हो गया, पपेट्स हो गया, फॉक सॉन्ग्स हो गया, टॉकिंग डॉल्स हो गया, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड है. सो बेसिकली जो ऑडियो विजुअल एड्स का क्लासिफिकेशन है वो ऑडियो एड्स में हुआ है, विजुअल एड्स में हुआ है, ऑडियो विजुअल एड्स बोथ में हुआ है. तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये विजुअल एड्स में प्रोजेक्टेड है अदर नॉन प्रोजेक्टेड है, ऑडियो विजुअल एड में प्रोजेक्टेड है कि नॉन प्रोजेक्टेड. सबसे ज़्यादा इसमें ड्रामा पपेट्स को पूछा जाता है. नेक्स्ट, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स. मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स क्या होते हैं, आर डिफाइंड एज द वन दैट विल प्रोजेक्ट इमेज फ्रॉम कंप्यूटर एज वेल एज स्टैंडर्ड वीडियो डिवाइसेस. तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स वो होते हैं जो इमेज को कंप्यूटर और स्टैंडर्ड वीडियो डिवाइस दोनों में डिलीवर करते हैं, उसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव बेसिक टाइप ऑफ मीडिया, नेमली टेक्स्ट, वीडियो, साउंड, ग्राफिक एंड एनिमेशन इन टू द लर्निंग एनवायरमेंट विच प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन. तो मल्टीमीडिया का एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, उसमें मतलब करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, चाहे आप टेक्स्ट भेजना वही भेज सकते हैं, वीडियो भेजना वही भेज सकते हैं, साउंड आपको, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सभी एक कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, उसी को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं. नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स इज यूज फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज ऑन ए स्क्रीन इन डार्क और सेमी डार्क कंडीशन. तो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स क्या होते हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ पर कुछ डार्क है, मतलब अंधेरा सा टाइप है, सेमी डार्क का है, वहाँ पर इनको यूज किया जाता है मैसेज को डिलीवर करने के लिए. जैसे अगर हम प्रोजेक्टेड विजुअल में देखें तो आपका क्या हो गया, साउंड स्लाइड सेट्स हो गए, मल्टी इमेज प्रेजेंटेशन हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड्स हो गए, कंप्यूटर इमेज प्रोजेक्शन हो गया, एंड नेक्स्ट ओपेक हो गया. ये सब हमारे प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स. क्या इंपॉर्टेंस है मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन एड्स का, अगर हम लोग इसका डिस्कस करें तो उसमें पहला क्या है, द पावरफुल इल्यूमिनेशन ड्रा एंड होल्ड्स फुल अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. पहला क्या है कि पावरफुल मतलब पावरफुल इम्पैक्ट डालता है, जो लर्नर होता है उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन 100% किस पे होता है, सब्जेक्ट मैटर पे होता है. नेक्स्ट वन, द प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स आर डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट एंड इट कन्वे एग्जैक्ट मीनिंग टू द ऑडियंस. जो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं
वो डेवलप किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा, और ये जो ऑडियंस तक है एग्जैक्ट जो मीनिंग होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको बताते हैं। नेक्स्ट, इट सेव द टाइम ऑफ टीचर एंड लर्नर। इससे क्या है कि टीचर की समय की बचत होती है और लर्नर की भी, और जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन देना चाहता है टीचर या सब्जेक्ट मैटर जो पढ़ाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ इमेज, स्टूडेंट उसको प्रॉपरली समझता है। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप बाई शेयरिंग द प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन। तो क्या है कि मतलब ये फ्लेक्सिबल है, आप लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम समय मैक्सिमम ऑडियंस को आप कवर कर सकते हैं। अगर मल्टी मीडिया के एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा फिल्म हो गया, टी वी हो गया, वेब हो गए, ब्लॉग हो गए, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल, इसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है वो ऑब्जेक्ट हमारा एक होता है, लाइट सोर्स हो गए, कॉलीमेटर लेंस हो गया, प्रोजेक्शन लेंस हो गया, स्क्रीन जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई देता है। इसमें एलसीडी प्रोजेक्टर है, आपको दिख रहा होगा, लाइट हो गया, प्रिज्म हो गया, पैनल्स हो गए, लेंस हो गए, ये ओवरऑल एलसीडी प्रोजेक्टर का है। लाइट, कंडेंसिंग लेंस हो गए, कलर फिल्टर, आप कलर को फिल्टर कर सकते हैं, शेपिंग लेंस हो गए, डीएमडी हो गया, और यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन हो रहा है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारा डायरेक्ट प्रोजेक्शन एक होता है, जिसमें हमारा मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर एंड स्लाइड प्रोजेक्टर आता है। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर में ओपेक प्रोजेक्टर आता है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर अगर हम लोग बात करें तो एक फिल्म स्ट्रिप इज ए सीरीज ऑफ स्टिल फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, ड्राइंग और लेटरिंग ऑन ए स्ट्रिप ऑफ 35 mm फिल्म। तो फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, जिसमें फोटोग्राफ की सीरीज होती है, डायग्राम की सीरीज होती है, ड्राइंग की होती है, और एक लेटर टाइप का होता है 35 mm फिल्म का। एग्जाम में पूछता है कि फिल्म स्ट्रिप की जो साइज होती है वो 35 mm होती फिल्म होती है। अगर हम इसके प्रिंसिपल पे वर्क करें, बात करें तो इसका अगर हमको देखें तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्शन, इसमें लेंस होता है, बल्ब लगे होते हैं, रिफ्लेक्टर लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, स्विच होते हैं, कंडेंसर लेंस होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट को ये देते हैं। आप इसके स्क्रीन स्क्रू को भी लेबल कर सकते हैं, फिल्म साइड हो गया। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्शन, इसका हम लोग प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, अगर यूज देखा जाए तो लाइट होता है, अनब्रेकेबल, इजीली स्टोर्ड विद इंफॉर्मेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म में, आप जिस फॉर्म में चाहें उसमें इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, इसको इजी ऑपरेट करना होता है, इसमें लेस कॉस्ट लगती है, इजी टू प्रोड्यूस होता है, हैंडल इसका और ट्रांसपोर्ट भी इजी होता है, कैन कीप द पिक्चर फॉर लॉन्ग टाइम ऑन द स्क्रीन, डिस्कशन पॉसिबल होता है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस होता है फॉर्म प्रैक्टिस का, प्रोजेक्शन कैन बी सिंक्रोनाइज विद सिमेट्री बाय ए टेप रिकॉर्डर। लिमिटेशन इसमें क्या है कि कॉमर्शियली अवेलेबल फिल्म स्ट्रिप मे नॉट सूट फॉर रिक्वायरमेंट, the surface of film strip may become scratched after prolonged use or may be burned। तो मतलब कभी ज़्यादा यूज करने से इसके जो सरफेस होती है वो कभी कभी बर्न हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम लिमिटेशन है और कॉमर्शियली यूज के लिए उतना प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा स्लाइड प्रोजेक्टर चलते थे। स्लाइड इज ए स्मॉल फिल्म 35 mm ऑफ ग्लास आर अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ 2:2 or 2.5 to 3.5 साइज कंटेनिंग ए सिंगल पिक्टोरियल आर ग्राफिक इमेज विच इज प्रोजेक्टेड बाई फोकसिंग लाइट थ्रो आउट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब पेट्रोमैक्स आर लैंटर्न। तो क्या पहले पेट्रोमैक्स चलते थे गांव में, जब कोई भी वो होता है तो पहले एक गांव में एक VCR मतलब चलता था, वह पर्दे पे दिखाया जाता था, तो उसी को स्लाइड प्रोजेक्टर बोलते हैं। 35 mm की, इसमें ग्लास लगा होता है और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल 2:2 का और 2.5 या 3.5 का लिया जाता है, जिस पे पिक्चर को डिस्प्ले किया जाता है, वो हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का अगर ऑपरेशन हम लोग देखें, कीप द स्लाइड इन ऑर्डर एंड इंसर्ट देम इन द स्लाइड कैरियर इन इन्वर्टेड पोजीशन। तो स्लाइड को प्रॉपरली रखना है वन बाय वन, सेट द प्रोजेक्टर एंड कनेक्ट द कार्ड, प्रोजेक्टर को सेट करके कार्ड से कनेक्ट करना है, एक स्क्रीन को फिक्स करना है एक लेवल पे, टर्न द स्विच फर्स्ट टू फैन एंड देन टू लैम्प, मतलब एग्जॉस्ट फैन के सबसे पहले आपको टर्न करना, स्विच को ऑन करना है, देन लैम्प को करना है, फोकस ऑन सेंटर द इमेज ऑन स्क्रीन, नो स्लाइड सिंक्रोनाइज अवेलेबल, इसमें सिंक्रोनाइज अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन स्लाइड प्रोजेक्टर, सो एडवांटेज अगर इनका देखा जाए, ए ग्रुप ऑफ पीपल कैन स्टडी द प्रोजेक्टेड मैसेज सिमल्टेनियसली, मैग्निफिकेशन हेल्प टू पुट अक्रॉस द आइडिया, लो कॉस्ट होता है, कलर स्लाइड कैन बी मेड वेरी इजीली, इजी टू हैंडल इनका, ट्रांसपोर्ट भी इजी होता है, स्लाइड सीक्वेंस कैन इजीली टू चेंज टू कीप देम टाइमली एंड लोकलाइज्ड। अगर लिमिटेशन, दे डू नॉट शो एक्शन, मतलब एक्शन को दिखाई नहीं देता इसमें, लाइव नरेशन इज एसेंशियल टू बी इफेक्टिव। नेक्स्ट वन ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP जिसको बोलते हैं, द पिक्चर इज प्रोजेक्टेड ओवर द हेड ऑफ स्पीकर ऑन द स्क्रीन, ओवरहेड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट एनी ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रक्शनल आइटम सच एज चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, पिक्चर एक्सेट्रा ऑन द स्क्रीन।
तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है वो क्या है कि स्पीकर जो होता है वो स्क्रीन पे होता है इसके, और ये किसी भी चार्ट को या ग्राफ को, ड्राइंग पिक्चर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। अगर इनमें प्रिंसिपल देखा जाए, ओवरहेड प्रोजेक्ट फंक्शन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इसमें होता है। व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेटफॉर्म ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्ट थ्रू विच स्ट्रॉन्ग लाइट इज पास्ड, द रेज ऑफ लाइट आर कन्वर्ज्ड बाय ए लेंस एंड रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर हेल्ड एट एन एंगल ऑन द स्क्रीन एट द बैक। इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है, आप सामने दे रहे हैं बट जो रिफ्लेक्ट होकर जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो पीछे की तरफ दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट वन ऑपरेशन का कैसे होता है, आपको डिजाइन प्रिपेयर करना है, ड्राइंग लेटरिंग 6:9 का होना चाहिए, मैसेज एरिया, विजुअल आइडिया सच ए चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, मैप एक्सेट्रा इन एडिशन टू की पॉइंट कैन बी ड्रॉन इन द रिटर्न होना चाहिए, हैव ऑन बेसिक आइडिया इन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो लेटरिंग है उनकी हाइट 1/4 सफिशियंट स्पेसिंग रखना होता है, मतलब 4 फीट का अगर इससे ज़्यादा खराब रखें तो आपका इमेज प्रॉपर्ली नहीं बनेगा। एडवांटेज इसके क्या है, मेक द टास्क डायनेमिक एंड सस्टेन ऑडियंस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स आइडिया में भी क्लियरली प्रेजेंटेड, सेव टाइम ऑन टाइम्स इन प्रेजेंटिंग द टास्क, प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर में भी सिंक्रोनाइज विद टास्क, इनेबल द स्पीकर टू फेस द ऑडियंस एंड ऑब्जर्व देयर रिएक्शन, इनेबल द ऑडियंस टू टेक नोट्स, इजी टू प्रिपेयर एंड प्रोजेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मटेरियल फॉर ट्रांसपेरेंसीज आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। तो इसके एडवांटेज जो बेसिकली हैं इसको मैंने डिस्कस किया है, इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। लिमिटेशन में रिक्वायर गुड प्रिपेयर बाई द स्पीकर, मतलब इसको प्रेजेंट करने के लिए जो स्पीकर होता है उसको गुड, उसकी अच्छी खासी प्रिपेशन होनी चाहिए तभी वो प्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ ए बिग कॉस्टली इक्विपमेंट, इसका कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। सबसे बड़ा इसका जो मेजर यूज था क्या था कि ये टाक को डायनेमिक और सस्टेन रिएक्शन लाती है ऑडियंस की। नेक्स्ट ओपेक प्रोजेक्शन, ओपेक प्रोजेक्शन क्या होता है, इन ओपेक प्रोजेक्शन ए लार्ज एपर्ट्योर्ड प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोजेक्ट ओपेक मटेरियल, ओपेक प्रोजेक्टर इज आल्सो नोन एज ईपीडीस्कोप, इसको ईपीडीस्कोप भी बोला जाता है। इसमें जो प्रोजेक्टर होता है वो ओपेक मटेरियल पे अपना स्क्रीन पे पिक्चर को डिस्प्ले करता है। इसका जो साइज ऑफ द प्रोजेक्टेबल मटेरियल शुड बी अराउंड 25 सेंटीमीटर, मटेरियल का जो साइज है वो 25:25 होना चाहिए। मटेरियल फॉर प्रोजेक्शन आर इंसर्टेड इन टू द प्रोजेक्टर बाय लोअरिंग द प्लेटन। एडवांटेज अगर इसके हम लोग देखें क्या है, स्टिमुलेट अटेंशन एंड अराउजेस इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, मतलब अटेंशन को बढ़ाता है, इंटरेस्ट को ऑडियंस की बढ़ा देता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको क्लियरली रिप्रेजेंट करता है, सेव टाइम और लेबर को बचाता है, इक्विपमेंट इजी टू ऑपरेट होता है। प्रोजेक्टेड लिमिटेशन में क्या है, प्रोजेक्टेड पिक्चर आर नॉट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है उतनी सुपीरियर नहीं होती है। द ओपेक प्रोजेक्टर इज बल्की एंड डिफिकल्ट टू कैरी, मतलब काफ़ी भारी होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट मोशन पिक्चर्स, मोशन पिक्चर इज द प्रोजेक्टेड इमेज ऑफ ए पॉजिटिव प्रिंट ऑफ शूट फिल्म टेकन बाय ए मूवी कैमरा विच प्रोड्यूस्ड सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ पिक्चर विद साउंड। तो मोशन पिक्चर जो स्पेशली होता है वो क्या है, प्रोजेक्टेड इमेज को बनाता है, पॉजिटिव प्रिंट देता है। ये काफ़ी पुराने पहले चलते थे मूवी कैमरा में, जो प्रोजेक्टर था इसमें आप ऐसे कैसे डालते थे उसको, वो क्या है कि पिक्चर डिस्प्ले होती थी जब रंगीन मूवी नहीं आई थी उस समय। मोशन पिक्चर इन्वॉल्व टू डिस्टिंक्ट बट इंटरलेटेड फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म एंड प्रोजेक्शन ऑफ द फिल्म, फिल्म का प्रोडक्शन भी करता है साथ में उसका प्रोजेक्शन भी करता है ये मोशन पिक्चर जो होता है। इसके एडवांटेज क्या है, अट्रैक्ट ऑडियंस एंड अराउज देयर इंटरेस्ट, प्रेजेंट फैक्ट इन रियलिस्टिक एंड इंटरेस्टिंग वे, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाता है, एक लाइव स्ट्रीम की तरह पता चलता है आपको, एक्सपोज द ऑडियंस टू ए न्यू प्रैक्टिस इन द शॉर्ट टाइम। लिमिटेशन इसका क्या है, कॉस्टली एंड हाई टेक्निकल जॉब है ये, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसको मोशन पिक्चर को ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड टीचिंग एड्स अगर हम लोग देखें, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एडेड ऑफर फार्मर्स मैनी न्यू अपॉर्चुनिटी, तो कंप्यूटर एडेड टीचिंग एड के आने से एक फार्मर के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। फार्मर उतना टेक्निकल इलिटरेट था मोस्टली, उतना टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं थी, तो उसको देख के वो काफ़ी चीज़ों को सीख सकता है। हेल्प इन ऑब्टेनिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लाइक रिसर्च फंडिंग मार्केट्स डेटा ऑन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट प्रोसेस क्विकली। तो ये क्या है कि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी फार्मर को जानने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया, चाहे वो रिसर्च फाइंडिंग हो गई, मार्केट्स के बारे में, डेटा ग्रोथ, कंप्यूटर पे गया गूगल किया सीधा उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ही कैन सेलेक्ट एंड अप्लाई द मोस्ट प्रोडक्टिव लेबर सेविंग लो कास्ट एंड प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी। इससे क्या है कि इन्फॉर्मेशन उसको मिली और जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है लो कास्ट वाली उसको सेलेक्ट कर लेगा। प्रीवियसली द टीवी रेडियो न्यूज पेपर गिव जनरलाइज्ड एडवाइस टू फार्मर,
तो ये रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए या न्यूज़पेपर है, फार्मर को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे देते हैं। मॉडर्न एड्स एक्सटेंशन कैन प्रोवाइड कस्टम बिल्ड एडवाइस फॉर ईच फार्म एंड फार्मर विदाउट विजिटिंग द फार्म पर्सनली। तो कंप्यूटर एडेड टीचिंग एड आने से क्या होगा कि फार्मर को रिसर्चर के पास जाना नहीं पड़ता, या चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई या केबीके हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको विजिट नहीं करना पड़ता, वो ऑनलाइन जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सीख सकता है। इसमें कंप्यूटर एडेड अगर एड्स में हम लोग देखें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो उसमें माइक्रो कंप्यूटर होता है, वीडियो टेक्स्ट होते हैं, टेली टेक्स्ट होते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कंप्यूटर मल्टीमीडिया होता है, इंटरेक्टिव वीडियो डिश होती है, इंटरनेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। सो थैंक यू, आई होप दिस सेशन हेल्पफुल फॉर आल यूजी पीजी जेआरएफ एसआरएफ एंड नेट एस्पायरेंट। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।